दोस्तों क्या थक गए? ना दोस्तों थको मत, क्योंकि इसके बाद और भी प्रीमियम कोटेजेस और होमस्टे आपके लिए आने वाला है। अभी मैं हूँ हेरिटेज होमस्टे में, ये भी सीटोंग 3 में लोकेटेड है। लेकिन दोस्तों मैं बोला ना आज आपके साथ सीटोंग का ईच एंड एवरी होमस्टे शेयर करने वाला हूँ। देखो दोस्तों यहाँ पे कोटेज वाइज आपको रेंट में मिल सकता है और उसके साथ प्राइस रेंज विद फूड बहुत ही अफोर्डेबल। चलिए एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों हम जब कोई वैकेशन प्लान करते हैं ना, तो हमें चाहिए एकदम सबसे ज़्यादा कूल और पीसफुल इन्वायरमेंट, और स्पेशली दार्जिलिंग का कोई भी ऑफबीट प्लेस अगर हम लोग अपने स्पेशल फैमिली मेम्बर के साथ बिताना चाहते हैं तो हमेशा ट्राई करते एक ऐसा जगह पे हमारा स्टे हो जहाँ पे गाड़ी का कोई नॉइज़ ना हो, ज़्यादा लोकल का क्राउड नहीं हो, और ठीक शांत से एक जगह जहाँ पे हम लोग अपने स्पेशल वैकेशन को बहुत ही अच्छी तरह से स्पेंड कर पाए। और दोस्तों तुम्हारे इस सर्च के लिए तुम्हारा भाई ब्लॉगिंग पायलट लेके आया है सीटोंग और कार्शियंग का कुछ ऑफबीट डेस्टिनेशन, ऑफबीट होमस्टे का खोज, जो तुम लोग का अपना नेक्स्ट वैकेशन प्लान करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए उतना यूजफुल रहेगा। हमें कहाँ से एंटर करना पड़ेगा? इस साइड से अपना सारा हार्ड वर्क। चलो ये हमारे साथ है अभिषेक भाई से। हाय, तुम कौन क्लास में पढ़ते हो? सिक्स में। और इसके साथ अपनी मम्मी का हाथ भी बटाता है। बहुत ही सुंदर डेकोरेशंस करके रखे हैं हमारे अभिषेक भाई ने। चलिए अंदर चलते हैं। आप देख सकते हो दोस्तों बहुत ही अच्छा सा और बहुत ही औसम क्वालिटी में डेकोरेशन से बहुत सारा बेड मिल जाएगा आपको विद अटैच बाथरूम। आपको बाथरूम में मैं दिखा देता हूँ। बहुत ही बड़ा बाथरूम है दोस्तों और बहुत ही सुंदर डेकोरेशन से आप देख सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे रूम है, तो यहाँ पे फील्ड है दोस्तों, यहाँ पे गेस्ट अभी है, लेकिन उसके साथ डेकोरेशन से ना एवरीथिंग इज जस्ट ऑसम। यहाँ पे आंटी है, इसका ओनर है। आंटी नमस्ते। आंटी लाइक आप लोग के यहाँ पे पर पर्सन हिसाब से हिसाब किया जाता है ना, कितना पड़ता है आपका? ये हमारा पर हेड 1200 में फूटिंग लॉजिंग, सुबह का ब्रेकफास्ट चाहे तो एनी टाइम। चाहे एनी टाइम वो इंक्लूडेड है इसमें? हाँ, खाना मैं ही बनाती हूँ। वाव, और आपको देख के लग रहा है, आपको किचन देख के लग रहा है जब खाना बहुत ही अच्छा बनाते हो। चलिए मैं प्रे करता हूँ, ये अपकमिंग जो वैकेशन सीजन आ रहा है ये बहुत ही अच्छा जाए आपके लिए। और आंटी आपका ये होमस्टे का एड्रेस क्या होगा? ये हमारा सीटोंग 3 बोलता है। सीटोंग 3 जीसीपी के अंदर पड़ते हैं। ओके, जो ये हमारा सिनकुना प्लांटेशन इसके अंदर पड़ता है। और इसका मैं देख रहा हूँ व्यू बहुत ही सुंदर है, बहुत ज्यादा होमस्टे है यहाँ पे, लेकिन अंदर पे लेकिन बहुत ही काम एरिया है। ओके, अगर कोई आपको कॉल करे मेन एरिया पे आके आप लोग रिसीव कर लोगे ना? ओके, आप लोग का ट्रांसपोर्टेशन भी हो जाएगा। ओके, आप कार्ड थोड़ा दिखाते हैं आप लीजिए। ठीक है, वहाँ भी है वो किचन में एक बार दिखाना वाला हूँ। ठीक है, आप किचन भी देखिए और लेके जाइए, जरूरत पड़ेगा तो मैं भी आपसे कॉन्टेक्ट में हूँ जरूर। तो दोस्तों सिर्फ यही नहीं, आप देख सकते हो यहाँ बहुत ही सुंदर एक डेकोरेटिव किचन है जहाँ से आप बोल सकते हो। ओ, ये रूम भी डेकोरेशन में आता है? एकदम ऐसे आता है मेरा। वाओ, आंटी का अपना रूम भी बहुत ही सुंदर है। ये हमारा ये होम स्टे हम चाहिए। ओके, यहाँ से है, यहाँ से है, यहाँ है, यहाँ है। वाओ ऑसम, ये आंटी का पर्सनल डेकोरेट किया हुआ है। भास्कर थापा जी है। ओके, और फुटबॉलर पहले बहुत पॉपुलर फुटबॉलर है। वाओ, देख सकते हो कितना सारा कप है दोस्तों। आप बहुत ही रिनोन होम स्टे में रहने वाले हो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो। यहाँ है मैंने देखा आपका वॉशरूम बहुत ही बड़ा बड़ा है, यहाँ पे तो कोई बेड लगा के सो भी जा सकता है। यहाँ से बाहर निकलता है। वाओ, और वहाँ है थोड़ा आगे। ऑसम ऑसम, बहुत अच्छा लगा आंटी, जस्ट इम्प्रेसिव। कितना सारा बेड चाहिए दोस्तों? ग्रुप में प्लान करो, आपको ये बेस्ट लोकेशन प्लान मिल जाएगा। दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे आपको बैठने के लिए एक सिटिंग प्लेस भी मिल जाएगा जहाँ पे आप कबाब बना कर भी खा सकते हो। बहुत ही सुंदर ऑसम है। और यहाँ पे व्यू देखो दोस्तों, व्यू यहाँ पे आप जो देख रहे हो वो लोकेशन जो है एकदम टॉप में वो है कार्शियंग। इस साइड में चले गए तो वो मिल जाएगा आपको गैंगटॉक। इस साइड में आपको जो लोकेट पड़ा है ये है दार्जिलिंग।